हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। विंटर्स का टाइम आ रहा है, सितंबर का मंथ ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो विंटर वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस वक्त बीज लगाएंगे तो एक महीने के बाद उसकी पौध तैयार हो जाएगी, फिर आप चाहे उन्हें किसी पॉट में ग्रो करें या फिर ज़मीन में ट्रांसफ़र करें। अगर हम बात करें कि विंटर वेजिटेबल्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आपको अभी लगाना है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत सारे वेजिटेबल्स आप अभी ग्रो कर सकते हैं, जैसे आलू हो गया, टमाटर, हरी मिर्ची, पालक, धनिया, मेथी और गाजर, चुकंदर, रेडिश यानी मूली और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स। मैं सारी लिस्ट लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंटर वेजिटेबल्स को ग्रो करना समर वेजिटेबल्स की तुलना में ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मौसम भी हमारा साथ देता है इस वक्त। और ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो विंटर्स के होते हैं उन्हें बीज से ग्रो करना ज़्यादा आसान होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही दिखाने वाली हूँ कि बीज से अगर आप सर्दियों की सब्जियों को उगाना चाहते हैं तो अभी उनकी शुरुआत करें, किन बातों का ध्यान रखें कि कैसे लगाने हैं इसके बीज, और बीच बीच में आपको कुछ मैं टिप्स भी देती रहूँगी। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने देखा था कि सब्जियों के लिए जो पॉटिंग सॉइल होता है वो कैसे तैयार करते हैं, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि सब्जियों के लिए हमारा जो पॉटिंग सॉइल होता है वो बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ सीड्स मैंने करीब एक महीने पहले डाले थे पॉट्स में, वो अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, तो उसका भी मैं आपको पहले अपडेट दिखा देती हूँ। तो ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी विंटर्स में आती है। स्ट्रॉबेरी ये हमने रनर्स से लगाई थी, अगर आपको ध्यान हो, इसका भी मेरे पास सेपरेट वीडियो है, हमने इसको प्रोपोगेट किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर चेक करें। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये पौधे तैयार हो रहे हैं और होपफुली विंटर्स में ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज़ आएंगी। उसके बाद इधर आते हैं हम, ये है मिर्ची। मिर्ची भी हमने बीज से करीब एक डेढ़ महीने हो गए हैं डाले हुए, और मिर्ची की एक अच्छी बात यह है कि आप इसे साल भर ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से बिना किसी एफर्ट के। इसमें इवन फ्रूट्स भी आना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं। ये रहा, और मैं इधर दिखा देती हूँ, छोटी छोटी मिर्ची भी लगनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसी पॉट में मैंने यहाँ पे गोभी लगाई है। ये कुछ आपको जो बड़े पत्ते दिख रहे हैं, ये करीब एक डेढ़ महीने हो गए लगाए हुए, और ये भी अच्छी ग्रो हो रही है। मैंने 7-8 बीज डाले थे करीब, कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा बीज थे, तो ये भी अच्छे तरीके से हो रही है सेम टब में। इधर भी है गोभी, पत्ता गोभी। तो गोभी पत्ता गोभी भी विंटर्स की वेजिटेबल्स है, तो इनके लिए भी आपको अभी सीड्स डालने हैं। फिर आ जाते हैं हम इधर, ये है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। शकरकंद भी इस वक्त लगाई जाती है, ये मेरे पास 3-4 पॉट्स में है। इस पर मेरा सेपरेट वीडियो है, ये मैंने सेकेंड टाइम ग्रो किया है, तो लास्ट टाइम वाला वीडियो मैं शेयर कर दूँगी, उसमें हमने हार्वेस्टिंग भी दिखाई है, तो कम्प्लीट वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टब में, इधर हमारे पास है मूली, रेडिश। मूली बारिश में भी ग्रो होती है और विंटर्स में भी ग्रो होती है। इसमें मूली हमारी थोड़ी तैयार भी होने लगी है, अब आई थिंक दिख रहा होगा वीडियो में। ठीक है, तो ये अनदर आई थिंक 1 मंथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसकी हार्वेस्टिंग के साथ में भी वीडियो लेके आऊँगी। और इधर मेरे पास टब में है टमाटर, ये भी मैंने बीज से ही लगाए थे, करीब 1.5 महीने हो गए हैं और इसमें फल भी आना शुरू हो गए हैं। टमाटर, ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं, अभी हरे ही हैं। इसको मैंने सपोर्ट दे दिया रस्सी से, क्योंकि ये पूरा ज़मीन पे आ रहे थे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टब में मैंने बीज डाले थे। इसमें कुछ कुछ मिर्ची के भी पौधे हैं और हमारे ढेर सारे टमाटर इसमें लगना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा मैं इधर दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास 2 ग्रो बैग्स में हैं आलू, ये भी अच्छी तैयार हो गई है, लेकिन अभी 1-2 महीने और लगेंगे अच्छी तरीके से तैयार होने में। फिर इसका भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, एंड टू एंड हार्वेस्टिंग दिखाते हुए। अब इस तरफ दिखा देते हैं मैं आपको, यहाँ पर है बैगन 2 टब में। बैगन भी हमने करीब 7-8 बार हार्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे बैगन हो रहे हैं। ये सब अभी भी ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, फ्रूट्स इसमें बराबर लगते रहते हैं,
और एक बार में 5-6 बैगन हम हार्वेस्ट कर लेते हैं इससे। तो बैगन का भी सीज़न है अभी, बैगन भी लगा सकते हैं आप, आलू लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स, बेसिकली आप जो भी सर्दियों में खाते हैं वो सारी वेजिटेबल्स आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इधर दिखा देती हूँ एक और टब में, बेसिकली मैंने 3-4 टब में और पॉट्स में लगाए हैं, ये है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने इसमें भी ग्रो किया था और बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिली थी, बहुत अच्छा प्रोड्यूस मिला था। तो ये भी शकरकंद है। इसके अलावा मैं इधर दिखा दूँ क्या है, ये है सिंघाड़ा, ये भी हमने बाज़ार से ख़रीदे हुए सिंघाड़े से ही ग्रो किया था, इसमें भी फ्रूट आना शुरू हो गया है। तो अगर आपको देखना है कि सिंघाड़ा कैसे उगाया जाता है तो मैं इसका वीडियो लिंक भी शेयर कर दूँगी, ज़रूर चेक करें। कम से कम इसकी पत्तियाँ तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में, फ्रूट आया नहीं आए, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए सिंघाड़ा है छोटा सा, ये रहा, और भी कई सारे इसमें निकले हैं, इधर था, ये रहा। तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी एंड टू एंड, इसमें फिर से दिखाऊंगी जब ये बड़े हो जाएंगे हार्वेस्ट करते हुए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे गार्डन में लगी हुई हैं विंटर वेजिटेबल्स की। करीब मैंने 1 महीने पहले बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, जैसे मूली हो गया, टमाटर, मिर्ची, पत्ता गोभी, ये सब कुछ अभी रेडी भी हो रहा है, 1 महीने में रेडी हो जाएंगे ये सब। बाकी क्या क्या है मैं पूरी लिस्ट डाल दूँगी, और कुछ चीज़ें मैं अभी लगाने जा रही हूँ जैसे कैरेट, लेटस, पीज़, ये सब हम आपको लगा के दिखाएँगे। तो ये है 14 इंच का पॉट, इसमें मैं कुछ मटर के बीज डालूंगी, और इसका पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है आप उसका वीडियो चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो क्या है, तो ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं ये है कैटल मेन्योर। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डाली है, जो बकरी की खाद आती है ना वही है ये कैटल मेन्योर। तो ये है हरी मटर के सूखे बीज, आप चाहें तो इसे भिगो सकते हैं पानी में, जब ये फूल जाएँ उसके बाद आप इसे मिट्टी में डालें। वैसे ही से आप अगर इस तरीके से बिना भिगोए भी डालेंगे तो भी बहुत आसानी से ये अगले दिन या 2 दिन में फूल करके या 2-3 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे हम चना वगैरह भिगोते हैं तो 2-3 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं, उसी तरीके से इसको ग्रो करना बहुत आसान है। इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें मिट्टी में, थोड़ा सा बड़ा पॉट लें इसके लिए, उसके बाद एक हल्की लेयर सॉइल की ऊपर से डाल दें और अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें और अपने पॉट को फुल सनलाइट में रखें। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल शेप के पॉट में मैं लगाने वाली हूँ गाजर के बीज। गाजर लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गहरा पॉट लें क्योंकि वो रूट वेजिटेबल है। ये है गाजर के बीज जो देखने में छोटे जीरा की तरह लगते हैं। इसको भी लगाने का सेम तरीका है, आपको मिट्टी पे स्प्रिंकल कर देना है, उसके बाद एक पतली सी लेयर सॉइल की डाल दें, अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें और पॉट को फुल सनलाइट में रख दें। तो इस तरीके से विंटर वेजिटेबल्स के सीड्स अभी लगाइए आप, चाहे आप सीडलिंग ट्रे में उनकी पौध तैयार करें या डायरेक्टली पॉट्स में या गार्डन में इस तरीके से शिफ्ट करें। लेकिन अगर आपके एरिया में अभी भी बारिश हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगी इनके पौध तैयार करने को सीडलिंग ट्रे में, क्योंकि बारिश होगी, आप सीड डालेंगे, छोटी छोटी पौध निकलेगी, तो तेज़ बारिश से सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। बाकी जितने भी टिप्स मैंने दिए उन सबको आप ध्यान में रखें, और अगर आप अभी लगाएंगे वेजिटेबल्स तो सर्दियाँ आते आते आपका प्रोड्यूस हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। मैं मिलती हूँ इन सभी पौधों की अपडेट के साथ जल्दी ही, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।